हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैं नाम बैक वीडियो गेस्ट। तो देखिए, आज के लिए मैं बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से आप एक वैकेशनल रेंटल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो रेंटल वेकेशन वेबसाइट से मतलब ये है गाइस कि मान लो आप जो है लोगों के वेकेशन करवाने के लिए रेंट लेते हैं और उनको अच्छे तरीके से आप वेकेशन करवाते हैं, तो उस चीज़ के लिए देखिए वेकेशन स्टार्ट सही है। ठीक है, तो गाइज यानी कि आप उनको ट्रैवलिंग करवा रहे हैं उनके वेकेशंस में। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो आपकी अगर एजेंसी है, ठीक है, जो अगर किसी का वेकेशंस है तो उन वेकेशंस में जो है आप उनको लाइक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना वेकेशन इंजॉय करें। ठीक है, तो इस तरीके काफ़ी एजेंसीज होती है, तो उन लोगों को भी वेबसाइट क्रिएट कर वो भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो गाइज वो वेबसाइट जो है आपको किस तरीके से क्रिएट करनी है, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो गाइज इसीलिए विदाउट एनी फर्डर लेट्स गेट स्टार्टेड। हो गई ऐसे कैसे हो? तो फ्रेंड्स, अब आपको देखिए वेबसाइट में आगे काम करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। तो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग पे गाइस आपको स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, और डोमेन नेम जो है आपकी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोनों गाइस आप डोमेन रेसर पे ले सकते हो, क्योंकि डोमेन रेसर पे आपको दोनों काफी चीप प्राइस पे मिल जाएंगे और काफी अच्छी क्वालिटी के साथ भी मिल जाएंगे, यानी कि इनकी सर्विसेज भी जो है काफी अच्छी। और गाइस यहाँ पे आपको सब टाइप की वेब होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शेयर होस्टिंग भी मिलती है, रीसेलर होस्टिंग भी मिलती है, और वीपीएस होस्टिंग भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा गाइस डोमेन रेसर में आपको फ्री साइट बिल्डर मिल जाएगा, और गाइस इनकी जो प्राइस है वो 59 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होती है। और गाइस सब में आपको जो है SSD डिस्क मिलेगी। गाइस ये 20x फास्टर है, ई कॉमर्स टूल्स है, वेबसाइट बैकअप फ्री, SSL सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड डिस्पैच बैंडविड्थ, सिक्योर आई मैप, ईमेल, सी पैनल, इजी टू एक्सेस और हाईली मैनेज सर्विसेज, सब कुछ गाइस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और गाइस इसके अलावा देखिए मैंने डोमिन नेम और डोमिन नेम रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से वेबसाइट होस्टिंग आपको जो है खरीदनी है, किस टाइप की होस्टिंग खरीदनी है, तो गाइज वो सब जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो उसके अंदर गाइज मैंने ये जो है बताया था किस तरीके से आपको ये करना है। तो वो वेबसाइट का जो लिंक है गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू जो है गाइज आप अच्छे तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको डोमेन रेजर से होस्टिंग और डोमेन नेम जो है परचेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोमेन रेजर का सी पैनल है। ठीक है, तो ये सी पैनल जो है अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का। ठीक है, तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना, और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्ट्री जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्ट्री जो है इसको मैं जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjangiri.com, लाइक मेरी साइट है www.700tech.com। तो 700tech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइज वो खुलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो। ठीक है, इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, हर एक चीज़ है यहाँ पे, आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है। ठीक है, अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है। ठीक है, एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपको ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है। ठीक है, यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली। ठीक है, और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं ऑटो अपग्रेड, कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले लें। ठीक है, तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से 1 जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो। ठीक है, तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता लग जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है, बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए। और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो वो ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, anyway11 ठीक है @sj.com। ठीक है, कैन पुट एनीथिंग। ठीक है, ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने।
तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये दो आ चुके हैं, एक है गाइज जो हमारी साइड दिख रही है और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं एडमिन पैनल। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से, और यहाँ पे गाइज जो अभी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइड इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइज देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है, तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइज हमको जो है यहाँ से करना है। ठीक है, और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो है आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी थीम। ठीक है, तो इसको तो मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पे आपको रेफरेंस पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे सीधा थीम्स दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो है थीम्स दिख जाएगा, एंड थोड़ा जो है यहाँ से जो है आप थीम्स इंस्टॉल कर पाओगे। तो गाइस देखिए अब यहाँ से आपको जो है थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम, क्योंकि हम जो है थीम्स पे आ गए, मैंने एपरेंस पे थीम, एपरेंस पे क्लिक करके थीम्स पे आ सकते हैं आप, एपरेंस। ठीक है, एंड अब यहाँ से आपको एड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गाइस आपको थीम्स मिल जाएगी काफ़ी सारी, बट हमको अभी चाहिए वो चाहिए ने पे, तो वो जो है गाइस आपको ऊपर ही मिल जाएगी क्योंकि बहुत पॉपुलर थीम है ये गाइस ने पे। अब गाइस इन थीम्स को जो है आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो निवे ये है, ये जो है आपके कैंडेंस है, तो बट ये जो है काम करती है कुछ कुछ ढंग से काम नहीं करती है। जनरेट प्रेस है, ठीक है, ये आपकी गो थीम है, ये इंस्प्रो है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी थीम्स है जिनका जो है आप यूज कर सकते हो, बट हमको सिर्फ चाहिए अभी नेवे। तो हम नेवे पे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा इतना ज़्यादा, टाइम जो है नहीं लगेगा इसमें नेवे में। ठीक है, तो इसको जो इंस्टॉल करते हैं अभी हम, और ये इंस्टॉल हो रहा है। तो गाइस इंस्टॉल करके मैंने उसको एक्टिवेट कर लिया है। ठीक है, आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है, फिर एक्टिवेट करोगे ना तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन नेवी इज नाउ इंस्टॉल एंड रेडी टू यूज, वी हैव सेंड सम लिंक्स टू यू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से गाइस आप अपनी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक काम क्या करना है, आपको सीधा यहाँ पे प्लगइन्स पे आके जो है अदर जो प्लगइन्स है इन सबको जो है आपको क्या कर देना है, इन सबको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो सारे काम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर से प्लगइन्स को जो हमने डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे गाइस जो है जैसे बल्क में एक्शन ले सकते हो सीधा। ठीक है, तो ये हमने दोनों डिलीट किया, फिर उसके बाद में आपको जो है थीम्स पे जाना है। ठीक है, थीम्स पे जाके जैसे ये थीम्स आ रही है अलग अलग, तो इन थीम्स को जो है यहाँ से आप जो है डिलीट कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको डिलीट किया, एंड देन इसको जो है आप डिलीट कर दो जो काम की नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि फालतू में हमें जो है हमारी साइड में लोड ऐसे जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू का हमको जो है वो नहीं चाहिए, आप क्या बोलते हैं उसको, फालतू का मतलब फालतू का एक्स्ट्रा जगह हमको स्पेस जो है ख़राब नहीं करना है। तो ये गाइस हमारी थीम आ गई है। ठीक है, एंड यहाँ से गाइस आपके पास सीधा ऑप्शन है ट्राई वन ऑफ आवर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट, तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको जो स्टार्टर मिल जाएगा, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे जिन टेम्पलेट्स का हम जो यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू एबल टू इम्पोर्ट एनी स्टार्टर साइट आपको पहले इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो वही हम कर रहे हैं। तो इसका जो है हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। तो गाइस यहाँ से जो है आपको जो भी थीम इंस्टॉल करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वो आ गया, यहाँ से हम थीम्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमको थीम इंपोर्ट करनी है नेवे से। तो इन सब के अब आपको कैसे करनी है गाइस, जो जिस थीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको किस तरीके से अभी इंपोर्ट करनी है गाइस, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पे वेकेशनल रेंटल में आना पड़ेगा और इसको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से। ठीक है, तो वेकेशनल रेंपोर्ट का ये साइट है, टेम्पलेट है, क्लीन अप एंड देन इम्पोर्ट, एंड इसको जो है तो गाइज यहाँ पे नेवे के अंदर आपको मिल जाएगा, जो इसको ढूंढना है वेकेशनल रेंटल को, और इन सबको जो है आपको चेक कर लेना है, देन इम्पोर्टेंट टाइम साइट। तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीन अप प्रीवियस इम्पोर्ट, तो इसको चेक आप जरूर करना क्योंकि आपका जो पहले जो भी है उस सबको क्लीन अप कर देगा, उसके बाद में प्लगइन्स जो है आपके इंस्टॉल होंगे, फिर जो है कंटेंट जो है इम्पोर्ट होगा, फिर कस्टमाइज सेटिंग, और फिर विजेट जो इम्पोर्ट हो गया है, तो सारा काम काफ़ी फास्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, व्यू साइट हमारी वेबसाइट को व्यू करेंगे। ठीक है, और गाइज ये वेबसाइट जो है इस तरीके से है, और यहाँ पे गाइज देखिए ग्रेडियंट का यूज़ किया गया है, और दूसरी चीज़ जो है दोनों चीज़ों का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे ग्रेडियंट का भी यूज किया देखने को मिला है, और यहाँ पे आई कैन से कि पिक्चर भी यूज की गई है। तो पहले गाइज क्या करना है, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन पे आप जो है क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन पे आते हैं अभी हम, हमारा कस्टमाइजेशन का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट के अंदर क्या क्या है, तो जो भी जैसे कंटेंट स्लाइड बार वगैरह वगैरह, ठीक है, किस तरीके से आपको रखना है। लेकिन गाइस यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट चीज क्या करूँगा, यहाँ से गाइस मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ इसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे कलर्स एंड बैकग्राउंड है गाइस,
तो यहाँ से गाइस हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ये थीम जो है थोड़ी ग्रीन से रिलेटेड है, तो इसलिए ग्रीन कर लेते हैं अभी, ठीक है। और इसको जो है गाइस मैंने ग्रीन कर लिया है, बट ये जो है थोड़ा इसका भी हमको कलर आगे चल के ग्रीन करना पड़ेगा, बिकॉज पहले जो था वो ब्लूज़ के हिसाब से आ रहा था। बट और गाइस अगर आपको इमेज सेलेक्ट करनी, तो यहाँ से जो है आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसके बाद में गाइस हम पब्लिश कर देते हैं, तो ये बैकग्राउंड के लिए थी वो इमेज एनीवे। और अब गाइस हम सीधा पैक करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस आप एडिशनल CSS है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बटन्स पे अगर आपको कोडिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, बटन्स पे यानी कि चेंजेस करना है, और हेडर और फुटर पे भी कर सकते हैं। अब हेडर फुटर से क्या है, लोगो चेंज करना है तो आपको हेडर फुटर हेडर के अंदर जाके जो करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ से तो गाइस ये नॉर्मल हो गया कस्टमाइजेशन। अब गाइस हम जो है पेज को जो एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये एडिट पेज जो है अलग चीज़ है। अब यहाँ से गाइस इस पेज के अंदर जो जो हमको एडिट करना है वो हम एडिट कर लेंगे। जैसे ये कलर्स की हम बात कर रहे थे कि शायद ये यहाँ पे जो है स्कोप है कि हम दूसरा कलर ले सकते हैं, ठीक है। स्टाइल पे जाएंगे एंड बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे, तो यहाँ पे गाइस ये दो कलर हो रहे हैं, ठीक है। बट क्या ये कलर सही है, क्या हम ये कलर ग्रीन कलर जो है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा क्वेश्चन जो है आ रहा है। एंड हमको गाइस क्या करना है, जैसे इधर की साइड क्या रखना है, इधर की साइड तो हमको ये रखा हुआ ही है हमारा, इधर की साइड हमको जो है थोड़ा सा ना ग्रीन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइस देखिए मैंने ग्रीन ले लिया है, ठीक है। तो ये अब वो जो है हमारी थीम से थोड़ा सा मैच कर गया है, ठीक है। ये कलर जो है ये तो गोल्डन है, तो ये थीम से ऑलरेडी मैच कर रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से जो है हमने ये चेंजेस जो है कर लिए। बाकी अगर आपको जिस मान लो इसको चेंज करना है तो वाई चूज अस, ठीक है। एंड यहाँ पे अपेलो एंड एथेना, ठीक है। तो ये हेरा, तो ये इस तरीके से जो है इनको चेंज कर सकते हैं इन पे जैसे। और मैंने मैप को भी आपको चेंज करना सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एक चीज़ें काफ़ी बार बता दी है वैसे मैंने, यहाँ से अपडेट कर सकते हो। एंड तो इस तरीके से मान लो गाइस आपको नेक्स्ट पेज को चेंज करना है तो उसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसको जैसे मान लो अभी लीव करते हैं, बट गाइस ये अपडेट नहीं हुआ है तो हमको वापस से करना पड़ेगा, वी फॉरगेट टू अपडेट एक्चुअली। तो वापस एडिट पेज पे जाते हैं एक बार के लिए, और ये इस पे हमको वापस आना है, गो टू द स्टाइल। और ये था हमारा बैकग्राउंड लेवल है, और इसके अंदर गाइस हमने क्या किया, थोड़ा सा ना मैं लाइट ग्रीन ले रहा हूँ, थोड़ा सा गाइस इसको हमको ग्रीन, ये ग्रीन अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो गाइस ये हमारा ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है एंड इट्स लुक कूल, ठीक है। तो इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट हो जाएगा। तो गाइस ये अपडेट हो चुका है, और अब गाइस यहाँ से हम जो है चेंजेस जो है कर पाएंगे। तो ये हमारी एक चीज़ की है। इसके बाद में अबाउट सेक्शन में गाइस, अब क्योंकि यहाँ पे भी गाइस यहाँ पे तो गाइस कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। फिर ये रूम्स है, लोकेशंस, रूम सिंगल है, या फिर आपको न्यूज़, यहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह जो अपडेट कर सकते हैं गाइस एडिट पे जाके कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स है, आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में है, ठीक है। तो इसको अगर आपको एडिट करना है तो सीधा यहाँ पे एडिट पेज पे आइए गाइस, और यहाँ से सीधा जो है आप जो है एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो गाइस, इसमें भी इतना कुछ इशू नहीं है, काफ़ी ईजिली जो है जैसे कॉन्टैक्ट ऐसे यहाँ पे इमेज इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपने फेसबुक, ट्विटर, गूगल क्रोम और लिंकडिन, इन सब में जो है लिंक डालिए। कैसे डालना है, जैसे लिंकडिन पे आए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके लिंक डाल दो, ठीक है। और ओपनिंग यूट्यूब कर दो इस पर, फिर यहाँ पे करके, तो यहाँ पे इन चारों में आपको जो लिंक डालनी पड़ेगी वो ये खाली आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम लिख दो, अपने एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है, तो ये चीज़ तो गाइज आपको करनी पड़ेगी, और फिर जो है अपडेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस पे आ सकते हैं। तो गाइस हमारी ये कुछ साइड है, अच्छी लग रही है, बुक ना हुआ है। अब यहाँ पे भी गाइस आपको लिंक देनी पड़ेगी बुक ना हो कि उस सेक्शन पे जाए जहाँ पर जाके सीधा बुक हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो गाइस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड काफ़ी इजीली आप ये काम कर पाओगे वैसे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉचिंग माई वीडियो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।